हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं अरेनियम की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मिट्टी बनाया है। तो सैंड को मैंने चलनी से चाल लिया है और उपले को मैं छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही हूँ ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। और मैंने यहाँ पे पुराने दिए को भी लिया है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में मैं कर लूँगी। अरेनियम की मिट्टी बनाने के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो, लीव कंपोस्ट जो भी हो, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला दीजिए। मेरे पास जितने अभी हैं उसी को मैं मिट्टी में मिला रही हूँ। तो देखिए, एक अरेनियम मेरे पास ऐसा है जिसकी मिट्टी गीली है और एक की सूखी हुई है। तो जब भी पानी डालें, इतना मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी डालें। तो चलिए मैं मिट्टी बनाती हूँ। तो मिट्टी के लिए मेजरमेंट को मैंने एक गमले को लिया है और जितनी मिट्टी लिया है उसके आधे आधे करके मैंने बाकी सबको मिलाया है और लास्ट में मैंने एक मुट्ठी नीम खली को भी मिलाया है। तो चलिए, मिट्टी तो बनकर तैयार हो गई है। तो उसके लिए मैंने जो बोंजाई गमला बनाया था उसी में मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो पहले मैंने एक छोटे से टुकड़े से होल को बंद कर दिया, उसके बाद मिट्टी को मैंने डाला है। और चलिए मैं इस अरेनियम को निकाल देती हूँ। इसको मैंने नर्सरी से ख़रीदा था, तो इसकी मिट्टी देखिए हार्ड है। इसको मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अरेनियम की रिपोर्टिंग करती हूँ। और इसको जब भी है इसमें पानी कम डालें, इसकी यही सबसे बड़ी चीज़ है। और अरेनियम को 5-6 घंटे की धूप चाहिए, तो इसको पूरी तरह सनलाइट में ही रखें तो आपकी अरेनियम बहुत ही अच्छी तरह से रहेगी। तो चलिए, मैंने इसमें पानी को डाल दिया है। और इस अरेनियम की थोड़ी सी टहनी लंबी है, तो मैं साथ साथ इसकी कटिंग भी लगा लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ऊपर की पत्ती को, एक दो पत्ती छोड़कर सभी को कट कर दिया है। अब बाकी सबको देखिए, फंगी साइड में मैंने लगा लगा कर इसकी कटिंग को मैं लगा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने सैंड को लिया है और जो मिट्टी मैंने बनाया था उसको भी थोड़ी मात्रा में इसमें ऊपर डाल दूँगी। पहले सैंड में मैं इसकी कटिंग को लगा दिया है, फिर ऊपर से जो मिट्टी मैंने बनाया है उसको भी मैं डाल दूँगी ताकि अरेनियम अच्छी तरह से जब लग जाए तो अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हो सके। तो चलिए, यहाँ मैं दिखाती हूँ, पहले से मैंने जो अरेनियम में कटिंग की थी उसकी भी देखिए दो ब्रांच निकल चुकी है। तो अरेनियम को प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहिए। तो मैंने पूरी तरह से अरेनियम को रिपोर्ट कर दिया है। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में आप सबसे मैं मिलती हूँ।